इसके लास्ट सीन में मैं ये देख रहा था कि यार प्लीज़ यार इस मूवी में प्लीज़ लड़की को मत मार देना। खैर ऐसा नहीं हुआ। तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सुपना मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है जगदीप सिंधु ने और जिसके राइटर हैं जगदीप सिंधु सेम ही कतई मल्टी टैलेंटेड हो रहे हैं। और इसमें कास्ट है एमी विक, तानिया शर्मा, जगजीत संधू। और अब इसकी कहानी की बात करें, एक लड़की है जिसका नाम है तेग, जिसे प्ले किया है तानिया शर्मा ने। तो दिखाया गया है कि तानिया जो यानी कि तेग के जो माँ बाप हैं वो बचपन में ही गुजर गए हैं। तो फिर भी जब ये छोटी बच्ची थी तो अपने पिता का यानी फौजी का इंतज़ार करती, जो जो फौज में थे, जो इंतज़ार करती थी कि कभी ना कभी तो वापस आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो गुजर चुके होते हैं। अब बचपन से ही वो अपनी ताई के पास रहती है, तो ताई उसे बहुत जुल्म देती है, जाहिर सी बात है, वो तो दिखाना ही था। जो जुल्म देती है उसे बहुत मारती है, घर के सारे काम कराती है, कपड़े धुलवाना, बर्तन साफ़ करवाना, झाड़ू लगवाना, A to Z काम वो करती है। और उसे पढ़ाते लिखाते भी नहीं है, उसको अलग सुलाते हैं। तो इतना कष्ट लड़की को देते हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ है जीत, जिसे प्ले किया एमी विक ने, और जो किसी की कुछ नहीं सुनता, बस उसे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब पैसों से पाई जा सकती है, मेहनत करने से कुछ भी नहीं मिलता। सच तो है यार। तो जीत मिलता है तेग से और उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। अगेन यार, पहली नज़र, सच में कुछ भी कुछ भी। यार। पहले चेक कर लो कि लड़की की शादी तो नहीं हुई है, या फिर उसे लड़के नहीं लड़कियां पसंद हो। कुछ तो चेक करके उसे नज़ प्यार प्यूर किया करो यार। तो भाई जीत को प्यार हो जाता है तेग से, तो जीत टोने टोटके करके इस पे लड़की को काबू करना चाहता है, मतलब प्यार पाना चाहता है। तो एक बाबा मिलता है, बाबा इसको कहता है, जहर वेग के पीता तो की पीता, इश्क सोच के कीता तो की कीता, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे बोलिया, प्यार लालच नाल कीता तो की कीता। तो ये सुनते ही भाई एमी विक सातवें आसमान पे। अब उसे लगता है कि अब प्यार वही है जिसमें लालच नहीं होना चाहिए। तो वो अब लड़की के सारे काम कर रहा होता है, उसके घर में जाके झाड़ू लगा के आ जाता है उसके उठने से पहले, उसके बर्तन साफ़ कर देता है। झाड़ू तो मैंने बोल दिया, बर्तन साफ़ करना, पानी भरना, कपड़े धोना, सब कुछ वही कर रहा होता है। तो ये सब एक दिन तेग को पता चल जाता है, वो ये देख लेती है और उसे भी उसे प्यार हो जाता है। सच में प्यार करने वाले बॉयज, ये बात लिख लो। अब तेग कहती है कि जीत तू अपनी लाइफ बना, पढ़ लिख, मेहनत कर और जॉब लग जा। और वो जॉब लग भी जाता है और लास्ट में दोनों शादी कर लेते हैं। अब इस मूवी की पॉजिटिव बातों के बारे में बात करें, तो इस मूवी की सबसे खूबसूरत बात तो मुझे लगी इसका रियलिस्टिक रखना। ये साफ सुथरी एक मूवी है, मतलब ये नहीं कि कुछ गंदे, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत साफ सुथरी मूवी है। इसके अंदर कॉमेडी अच्छी है, गाने इसके अच्छे हैं, एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट की। मूवी की कहानी में इतना दम नहीं लगा, मूवी की लेंथ काफ़ी लंबी लगी, जिसे लगा कि हाँ इसे छोटा किया जा सकता था। एक टाइम पीरियड के बाद इस मूवी में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में तो कायम रहता है। मैं बहुत उम्मीद लेकर, मुझे बहुत उम्मीद थी इसी मूवी से कि जब इसी के जो इन्होंने जो इनके डायरेक्टर, इन्होंने किस्मत मूवी बनाई थी, तो किस्मत मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। लास्ट में आंखों में से पानी भी आ गया था, जो सीन जो मैंने किस्मत मूवी का देखा था। तो मेरे को बहुत उम्मीद थी इस सूफना मूवी से, तो वो अगर वो उन उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा कि यार इतनी एक्सपेक्टेशन लेके देखना मूवी को और फिर उस एक्सपेक्टेशन पे खरी ना उतरना, तो यार वो चीज़ें खटकती हैं। तो खैर मुझे इतनी मूवी खास पसंद नहीं आई, मुझे वो बांध कर नहीं रख पाई एक टाइम पीरियड के बाद, मेरा इंटरेस्ट उसके बाद ख़त्म हो गया। तो मेरी तरफ से मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 5 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।